After primary growth, we are going to start secondary growth in plants. तो जो प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कैसे होगी और सेकेंडरी ग्रोथ के टिश्यूज क्या हो सकते हैं और उनका लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स अरेंजमेंट क्या हो सकता है, वी आर गोइंग टू स्टडी। आसान तरीके से इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। वही सेम के जो सेकेंडरी ग्रोथ है उसके टिश्यूज क्या हो सकते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम्स क्या होते हैं, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। तो जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं उनमें जो मेरिस्टम्स हैं हमने स्ट्रक्चर के अंदर उनको बना दिया कि एक एपिडर्मिस होता है जिसमें एक सेकेंडरी मेरिस्टम मौजूद होता है जिसको कॉर्क कैम्बियम जो कि हाइपोडर्मल सेल्स बनाते हैं। देयर इज अनदर कैम्बियम होता है जिसको वैस्कुलर कैम्बियम है जिन कैम्बियम को हम कहते हैं दैट इज प्रेजेंट इन बिटवीन वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम। अब थोड़ी यहाँ पर एक वजाहत ये भी कर ले हम कि ये जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये जो मेरिस्टम्स हैं टू दीज मेरिस्टम्स जिनको हम कहते हैं दे आर कॉल्ड सेकेंडरी मेरिस्टम्स, इनकी भी कुछ और टर्म भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम और नाम भी देते हैं कि दे कैन बी कॉल्ड एज अ लेटरल मेरिस्टम्स, हम इन्हें लेटरल मेरिस्टम्स भी कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम्स भी कहते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम भी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस कहते हैं। और इसके लिए स्पेशली वैस्कुलर कैम्बियम को हम वैस्कुलर भी कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं, लेटरल मेरिस्टम्स भी कहते हैं और इन्हें हम फ्यूजी फॉर्म इनिशियल्स भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजी फॉर्म इनिशियल्स भी कहा जाता है। और फेसिकुलर कैम्बियम ऑल्सो इसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड फेसिकुलर कैम्बियम ऑल्सो। और जब हम बैकहार्ट की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वहीं पर हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करेंगे, ये जो कैम्बियम है इसकी जो रिंग होती है ये चूंकि कंटिन्यूस होती है तो एक वैस्कुलर कैम्बियम जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में आ रहे होते हैं बीच से दे आर कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम है। और देयर इज अनदर कैम्बियम जो कि इन बंडल्स के बीच में आ रहा होता है इन दिस मेडुलरी रेज के अंदर हम उसे कहते हैं इसका इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम। और आई विल एक्सप्लेन दिस पोर्शन ऑफ टिश्यूज लेटर व्हेन आई विल बी एक्सप्लेनिंग मोनोकॉट एंड डाइकॉट एंड देयर डिफरेंस। तो हमने कहते हैं कल जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं उनके मेरिस्टम्स क्या हो सकते हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। जब वैस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, सेकेंडरी फ्लोएम को एंड सेकेंडरी जाइलम, ठीक। और इसी तरह से जो कॉर्क कैम्बियम में जब वो डिवाइड करता है तो वो प्रोड्यूस करता है फेलम को एंड फेलोड्रम को। ये क्या बना देते हैं, फेलम प्रोड्यूसेस कॉर्क एंड फेलोड्रम प्रोड्यूसेस सेकेंडरी कॉर्टेक्स, राइट। वेयरस ये तो सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम क्या बनाएंगे, ये सेकेंडरी टिश्यूज ऐड करते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही होती है और उसे हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ये सेकेंडरी ग्रोथ है। कैसे होती है ये ग्रोथ, इनके स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, वही सेम प्राइमरी ग्रोथ का डायग्राम बना हुआ है, ये वो सेम डायग्राम है जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं। ये कब होता है, दिस इज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग अ ग्रोथ है, इट्स कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के रीजन्स क्या हैं, टिश्यूज क्या हैं, याद रहे दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के फिर ऑल अराउंड दिस रीजन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद दिस इज एक्सट्रा प्रेजेंट फ्लोएम है, ये हमने इसको मार्क कर दिया है। फ्लोएम के बीच में ये इंटरनल रीजन है, दिस इज कॉल्ड ये क्या रीजन है, दिस कॉल्ड प्राइमरी जाइलम है और सेंटर पर क्या मौजूद है, पिन। तो ये स्ट्रक्चर्स वेरी आसान हो जाएगी आपके लिए समझना कि कॉर्टेक्स होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा, प्राइमरी जाइलम होगा एंड पिथ होगी। और इन दोनों के बीच में प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में ये हमने एक रिंग बना दी है और दिस इज अ रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ये कहलाएगा वैस्कुलर कैम्बियम। अब क्या होगा जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ भी से किस में से हो रही होती है, वो होती है विद हेल्प ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड दैट टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ कॉर्क कैम्बियम। तो वो कैसे ग्रोथ को इंक्रीज करती है, दिस इज अ होल स्टोरी दैट विल हेल्प यू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट है जो कि इंक्रीज हो करके इस पोजीशन ऑफ एपिडर्मिस से वो यहाँ तक जाके पहुँचेगी। ये जो पूरा इंक्रीज इन ग्रोथ हो रहा होता है इट इज सेड टू बी अ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट है। और ये सब कुछ कैसे होता है और किस में से हो रहा होता है, इसे बनाने के लिए चार्ट बना दिया है पूरा ताकि आप इसको आसानी से समझ लें। सी दिस इज कॉल्ड पिथ, दिस इज कॉल्ड पिथ, पिथ के आउटवर्ड क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रक्चर हमने बनाया दिस कॉल्ड प्राइमरी जाइलम, ठीक। और प्राइमरी जाइलम के पहले क्या होता है, उसके बाद मौजूद होता है प्राइमरी फ्लोएम और इन दोनों के बीच में क्या मौजूद होता है, देयर इज अ वैस्कुलर कैम्बियम।
ठीक है, ये याद रखना जरूरी है ताकि आप समझ पाए कि ये सेकेंड जाइलम किस में से बना है। तो इनिशियल क्या होता है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम उनके बीच में क्या मौजूद है, देयर इज अ वेस्कुलर कैम्बियम। लेकिन अब जब ये वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता है तो एज आई सेड कि दिस वेस्कुलर कैम्बियम इंटरनली प्रोड्यूस कर रहा होता है सेकेंडरी जाइलम को और ये एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर रहा होता है सेकेंडरी फ्लोएम को। तो सी स्टोरी बन गई कि दिस इज कॉल्ड पिथ। पिथ के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम के आउटवर्ड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम, फ्रॉम दिस कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम से एक नया टिश्यू बना हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। तो जैसे ही सेकेंडरी जाइलम बनता है तो जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो बाहर आ जाता है, क्योंकि कुछ प्लांट्स में ये हर साल हो रहा होता है। तो वी हैव अगेन ड्रॉन दिस स्ट्रक्चर कि ये यहाँ पर मौजूद है, इसको अब हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड, ये है रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम ने अंदर तरफ क्या बना दिया है, सेकेंडरी जाइलम, और इस वेस्कुलर कैम्बियम ने आउटवर्ड क्या बना दिया होगा, एन अदर स्ट्रक्चर प्रोड्यूस की होगी जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। तो अब सी जब सेंटर पर पिथ होती है, टिश्यूज अंदर मूव कर नहीं पाएंगे, तो पिथ के बाद प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम के बाद जब सेकेंडरी जाइलम बनना होता है तो वो एडिशन ऑफ टिश्यूज आउटवर्ड हो रही होती है, क्योंकि पहले मौजूद टिश्यूज को इम्प्रूव करना है, क्या करती है, उन्हें मूव करवाती है आउटवर्ड। तो जैसे सेकेंडरी जाइलम बनेगा तो दैट विल मूव द ओल्ड टिश्यूज आउटवर्ड, और फिर जब वेस्कुलर कैम्बियम में से क्या प्रोड्यूस होगा, सेकेंडरी फ्लोएम, तो वो उन्हें और भी ज़्यादा क्या करता है, आउटवर्ड मूव करता है। तो जैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो सेकेंडरी फ्लोएम किसमें से बना होता है, किसमें से बना है, ये वेस्कुलर कैम्बियम से। तो आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम ने इंटरनली ऐड कर दिया है सेकेंडरी जाइलम एंड एक्सटर्नली ऐड कर दिया है सेकेंडरी फ्लोएम। और जैसे ही सेकेंडरी फ्लोएम ऐड होगा तो जो पहला फ्लोएम होगा जिसे हम कहते हैं प्राइमरी फ्लोएम, वो मूव करेगा आउटवर्ड। अच्छा, प्राइमरी फ्लोएम जैसे ही मूव करता है आउटवर्ड तो वो क्या करता है, बाहर मौजूद होता है कॉर्टेक्स, उस कॉर्टेक्स को मूव करवाता है आउटवर्ड। और ये जैसे ही आउटवर्ड मूव करते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको हम कहते हैं, जो यहाँ पर था जिसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, वो एपिडर्मिस क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगा। और जैसे ही एपिडर्मिस रप्चर होगा तो इस कॉर्टेक्स के हाइपोडर्मल सेल्स दे रीगेन द एबिलिटी ऑफ अ डिवीजन एंड दे बिकम अ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। और व्हेन दे बिकम मेरिस्टमैटिक टिश्यूज, इसको हमने नाम दिया था, दिस विल बिकम फैलोजेन और कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। और जब ये कॉर्क कैम्बियम डिवाइड करेगा तो दिस विल एड टिश्यूज ऑन इनसाइड आल्सो एंड आउटसाइड आल्सो। तो जब फैलोजेन डिवाइड कर रहा होता है तो ये अंदर की तरफ एक टिश्यूज को ऐड कर रहा होता है, ये एक रीजन बन रहा होता है सेल्स का जो कि प्राइमरी कॉर्टेक्स के आउटवर्ड बन रहा होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये कहलाता है फेलोड्रम या फेलड्रम, या इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। वेयर इज फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम के आउटवर्ड जो रीजन बन रहा होता है, दिस रीजन इज टर्म्ड एज अ फेलम। और फेलम में चूंकि डिपोजिशन होती है सबरेनल एटीसी की जो कि इसे डेड बना देती है और ये आउटर लेयर बन जाता है जिसको कहा जाता है कॉर्क। तो ग्रोथ कैसे इंक्रीज हो जाएगी, ग्रोथ को इंक्रीज करने में न सिर्फ वेस्कुलर कैम्बियम टिश्यू ऐड करता है लेकिन फेलोजेन या कॉर्क कैम्बियम भी टिश्यू ऐड करता है। और वो क्या टिश्यू ऐड करता है, इनसाइड ऐड करता है फेलोड्रम को एंड आउटसाइड ऐड करता है फेलम को या कॉर्क को, जिससे भी प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी सेम को रिपीट कर लेते हैं सेम अदर साइड ऑफ स्टेम पर ताकि आप इसकी एक मतलब रिपीटेशन हो जाए। तो सेंटर पर क्या होता है, सेंटर पर क्या होता है, पिथ। पिथ के बाहर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम, ठीक। और इस जगह पर मौजूद है ये कैम्बियम जो कि जिसने डिवाइड किया, जब उसने डिवाइड किया तो उसने इनसाइड ऐड कर दिए टिश्यूज, और जब इनसाइड ऐड कर दिए टिश्यूज तो वो कौन से टिश्यूज ऐड हो गए, सेकेंडरी जाइलम। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, मूव कर जाएगा आउटवर्ड और आउटवर्ड आगे यहाँ पर अरेंज होगी। और इसने अपनी आउटसाइड पर क्या अरेंज कर दिया होगा, आउटसाइड पर अरेंज हो जाता है कौन, सेकेंडरी फ्लोएम। और सेकेंडरी फ्लोएम जब आउटवर्ड मूव करता है तो वो किसे मूव करवा लेता है, प्राइमरी फ्लोएम को आउटवर्ड। और जैसे प्राइमरी फ्लोएम आउटवर्ड मूव करता है तो वो आउटवर्ड जो मौजूद स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स की, उसे पुश करता है आउटवर्ड, और कॉर्टेक्स जो है वो एपिडर्मिस को रप्चर कर देता है। और कॉर्टेक्स के अगेन दीज सेल्स, जिनको हमने कहा कि दीज आर कॉल्ड हाइपोडर्मल सेल्स, ये हाइपोडर्मल सेल्स रीगेन एबिलिटी ऑफ डिवीजन एंड दे बिकम मेरिस्टेम्स कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन। एंड फेलोजेन व्हेन इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग तो इट स्टार्ट्स एडिंग फेलोड्रम इनसाइड एंड फेलम आउटसाइड, दैट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। और इससे प्लांट की ग्रोथ जो है वो
इंक्रीज हो रही होती है, इस सच इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ प्लांट को हम कहते हैं इट्स कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। ये इसका था लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर हम इसे इस ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें तो ये हमें कैसे दिखाई देगा, तो इसे देख लेते हैं हम। सी दिस इज द प्राइमरी ग्रोथ, सेंटर पर मौजूद है पिथ, आउटवर्ड मौजूद है स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, इट्स कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। और इस प्राइमरी जाइलम के बाहर क्या मौजूद होता है, वेस्कुलर कैम्बियम, जिसकी हमने ये रिंग बना दी, दिस इज कॉल्ड रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रक्चर जिसको हमने नेम कर दिया कि दिस इज कॉल्ड, ये क्या है, फ्लोएम। और फ्लोएम के बाहर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड, ये चाहे दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट रीजन क्या होता है, इट्स कॉल्ड पिथ, सॉरी एपिडर्मिस। तो क्या होगा, सेंटर से मूव करें अगेन, दिस इज कॉल्ड पिथ है, पिथ के बाद जाइलम है, जाइलम के बाद ध्रुव रिंग इज अ वेस्कुलर कैम्बियम है, और देन दिस इज फ्लोएम है, फ्लोएम के बाद कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स के बाद एपिडर्मिस है। अब इसमें जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वो हमें कैसे दिखाई देगी, तो उनका ये स्ट्रक्चर बनाती है ताकि आप इसमें भी उस अरेंजमेंट को आप समझ लें कि ये ग्रोथ इनमें कैसे होती है। जस्ट चेक, सेंटर पर क्या होगा, दिस इज कॉल्ड पिथ, राइट, एंड पिथ के अराउंड क्या मौजूद होते हैं, टिश्यूज, जिनको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी जाइलम। अच्छा, प्राइमरी जाइलम के और प्राइमरी फ्लोएम के बीच में मौजूद है वेस्कुलर कैम्बियम, जिसने जब इनसाइड ऐड कर दिया है न्यू टिश्यू, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी जाइलम। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी जाइलम। तो जब अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम आ जाता है तो कैम्बियम आउटसाइड पर आ जाएगा, तो ये रिंग बना दिया, दिस इज रिंग ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम की। अब वेस्कुलर कैम्बियम अपनी आउटसाइड पर क्या बना देता है, दैट प्रोड्यूसेस फ्लोएम, और उसे हम क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम के आउटसाइड पर प्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के आउटवर्ड वही सेम स्ट्रक्चर होगी जिसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फ्लोएम। और प्राइमरी फ्लोएम के आउटवर्ड क्या पोजीशन होगी, कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स। जब टिश्यूज आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं तो कॉर्टेक्स का एपिडर्मिस रप्चर हो जाएगा, और रप्चर होकर के वो रिगेन कर लेता है एबिलिटी ऑफ डिविजन। यहाँ पर देखें, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉर्टेक्स, और इन सेल्स को हमने कर दिया है कि दीज सेल्स हैव बिकम अ सेल्स, जिनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम। Now see, जब कैम्बियम इज डिवाइडिंग, कॉर्क कैम्बियम इज डिवाइडिंग, इट इज एडिंग टिश्यूज इनसाइड एंड इट इज एडिंग टिश्यूज आउटसाइड। तो प्राइमरी कॉर्टेक्स के ऊपर जो इनसाइड रीजन बन रहा होता है, उस रीजन को हम कहेंगे किसके इनसाइड, कॉर्क कैम्बियम के इनसाइड, हाइपोडर्मल मेरिस्टमेटिक सेल्स फेलो, जिनके अंदर जो रीजन बन रहा होता है उसे हम कहते हैं इसका सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड फेलो ड्रामा है, एंड दी अदर जो रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, जो कार्प कैम्बियम के आउटसाइड पर बन रहा होता है उसे हम कहते हैं डिस्कल फेलम है, और चूंकि सबरम की वजह से वो फाइनली क्या हो जाता है, एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज होता है, जिसे हम कहते हैं कार्प कैम्बियम। तो इससे भी क्या हो रहा होगा, प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही होगी। तो राइट फ्रॉम दिस पॉइंट से देखा जाए, प्राइमरी जाइलम के बाद सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान कौन से टिश्यूज प्रोड्यूस हुए हैं, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस हुआ है, और क्या प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्लोएम, जिसने प्लांट की ग्रोथ को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया। और कार्प कैम्बियम से क्या प्रोड्यूस हुआ होगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलम एंड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ फेलम, जिसको हम कार्प कहते हैं, इससे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट के अंदर। अब प्लांट में हम मोनोकार्ट एंड डायकार्ट के डिफ्रेंसिएशन को अलहदा एक पूरी वीडियो के अंदर पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनमें जो अरेंजमेंट होता है वो थोड़ा कुछ डिफरेंट होता है। क्योंकि एक मोनोकार्ट के अंदर जो कॉर्टेक्स है वो पूरा ग्राउंड रीजन होता है, और उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो किसी खास अरेंजमेंट के अंदर नहीं होते, वो स्केटर्ड होते हैं। अब दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, और ये वेस्कुलर बंडल्स एक मोनोकार्ट के अंदर स्केटर्ड होते हैं। वेरस जब हम ये डायकार्ड के अंदर पढ़ते हैं, तो डायकार्ड के अंदर जो अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होता है वो स्केटर्ड नहीं होता, वो एक खास रिंग के अरेंजमेंट होता है। मिसाल के तौर पर ये डायकार्ड है, ये इसका एपिडर्मिस है, और ये पूरा स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्टेक्स है या ग्राउंड टिश्यूज है, राइट। इसके अंदर क्या होता है, इस रीजन के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं दे आर अरेंज, ये वेस्कुलर बंडल है, अनदर वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल, तो वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग। और फिर वो क्या बनाते हैं, इनर साइड पर हमने लिखा हुआ है कि ये जाइलम हो जाएगा, और आउट साइड पर क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, जिस इसका ये फ्लोएम होता है, और इनके बीच में ये एक कैम्बियम आ रहा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिस इसका ये वेस्कुलर
कैम्बियम होता है, ये क्या होता है, जिसका नीचा है वेस्कुलर कैम्बियम कहलाता है, और इस वेस्कुलर कैम्बियम को हम फेसिकुलर कैम्बियम भी वगैरह कहते हैं। और ये रिंग चूंकि डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, ये रिंग हमेशा क्या होती है, ऑलवेज अ कंटिन्यूअस रिंग है, जो कि एक तो फेसिकुलर कैम्बियम हो रहा होता है और जो कि यदि अदर कैम्बियम जो कि इनके बीच में आ रहा होता है उसे फिर हम एक और वर्ड देते हैं, इट्स कॉल्ड इंटर फेसिकुलर कैम्बियम है। लेकिन हम इन चीज़ों को, इस स्टोरी को हम न्यू एक वीडियो बना लेते हैं, उसमें हम इनको मेडुलरी रेज को प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज विद फेसिकुलर एंड इंटर फेसिकुलर कैम्बियम उसमें हम इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ सेकेंडरी ग्रोथ इन अ प्लांट। अगेन याद रखें कि किस में से हो रही होती है, वेस्कुलर कैम्बियम दैट एड्स इनसाइड सेकेंडरी ज़ाइलम दैट एड्स सेकेंडरी फ्लोएम आउटसाइड दैट कीप्स इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। इफ इट्स टेकिंग प्लेस एनुअली, तो ये हर साल एक रिंग बन रही होती है, हम उन्हें एनुअल रिंग कहते हैं। या फिर इसी तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये रिंग दो साल के बाद भी बन सकती है, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, इन्हें बहरहाल हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड ग्रोथ रिंग्स हैं। और वो क्या होती हैं, फिर गुड्स के टाइप क्या होते हैं, इन्हें फिर हम किसी और वीडियो के अंदर पढ़ लेते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।